स्वागत है आपके अपने चैनल सुरान अकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2024 को लेकर। इसमें उत्तर प्रदेश कट ऑफ हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि इसमें 10th पास में आपके कितने नंबर होने चाहिए जिससे आपको ये नौकरी मिल जाए। तो आइए एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। देखिए यहाँ पर हम डाक सेवक के बारे में अगर बात करते हैं तो कट ऑफ किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, तो उस पर हम बात करेंगे। GDS भर्ती के लिए पिछले वर्षों के कट ऑफ के अंक राज्यों श्रेणियों के आधार पर विभिन्न हो सकते हैं। आमतौर पर कट ऑफ का अंक निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है, तो वो कौन कौन से कारक हैं जिन पर हम बात करेंगे, फिर उसके बाद कट ऑफ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदनकर्ताओं की संख्या कितनी होती है, जितने अधिक आवेदन होते हैं कट ऑफ उतनी ही अधिक होती है वैकेंसी की संख्या, तो जितनी कम वैकेंसी होती कट ऑफ भी उतना ही अधिक होता है। अभ्यर्थी की मेरिट आवेदकों की 10वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर बनाई जाती है। यहाँ कुछ अनुमानित कट ऑफ अंकों की जानकारी दी गई है, तो आइए उसके बारे में चीज़ों को हम देखते हैं। यहाँ पर अगर हम उत्तर प्रदेश के ग्रामीण डाक सेवक GDS भर्ती 2023 की बात करें, यानी पिछले साल की अगर हम बात करते हैं, तो पिछले साल में सामान्य वर्ग का जो कट ऑफ गया था वो 97.67% गया था, और OBC का 97 गया था, SC का 95 गया था, और ST का जो है 93.33 गया था। तो ये कट ऑफ 2023 का है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे 2024 को लेकर। तो यहाँ पर हम बात करेंगे आवेदनकर्ताओं की संख्या, उनके 10वीं कक्षा में अंकों का औसत और भर्ती के लिए उपलब्ध पदों की संख्या। हालांकि पिछले वर्षों के रुझान के आधार पर एक अनुमानित कट ऑफ आप यहाँ पर देख सकते हैं जो इस साल 2024 में रहेगा। तो वो जो 2024 में रहेगा वो रहेगा आपका 95 से 97% के बीच में सामान्य वर्ग का, OBC का 93 से 95 और SC का 90 से 93 और ST का जो आपका रहेगा वो 88 से 90 रहेगा। तो इसी के आसपास कट ऑफ 2024 में GDS का रहने वाला है उत्तर प्रदेश में। तो अगर आपके मार्क्स कक्षा 10 में इसी के आसपास हैं तो आप कन्फर्मली भरिए, आपको 100% आपको जॉब ये GDS की मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।